I am Lalita Sharma from Surat School, Mahendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic producer's equilibrium. In the previous class, we also learned about the concept of the producer's equilibrium. Profit से related concept हम इसमें already कर चुके हैं. अब इसमें केवल एक ही question arise होता है कि explain the producer's equilibrium with the help of MC and MR approach. MC और MR approach से इसको explain करना है. तो ये देखो, सबसे पहले हम इसको define करेंगे. Where the producers are equilibrium definition. The producers are in equilibrium where he gets maximum profit. यानी जहां पर उसको maximum profit earn होता है. These are called the situation of producers equilibrium. क्योंकि producers का जो main objectives होता है वो profit earning होता है. इसके बाद एवरी थ्योरी या लॉ डिपेंड्स ऑन द सम कंडीशंस या अजम्पशंस. अजम्पशंस हम इसमें ले सकते हैं मार्केट प्राइस इज कॉन्स्टेंट, यानी इसमें जो मार्केट प्राइस है वो कॉन्स्टेंट है. एमसी है जो यू शेप्ड है. इसके साथ साथ ये पूरा जो क्वेश्चन है कंडीशंस पर बेस्ड है, क्योंकि इससे हम एमसी और एमआर के थ्रू पढ़ते हैं. तो ये किस कंडीशन पर बेस्ड है, क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए. एमआर इज इक्वल टू एमसी. फर्स्ट कंडीशन इज The producers are in equilibrium where MR is equal to MC. And at this equilibrium point, यानी कौन से equilibrium point जहां पर MR और MC बराबर होंगे, MC is rising. यानी यहां पर MC क्या होता हुआ होना चाहिए, MC increase होता हुआ होना चाहिए, तभी वहीं पर एक producers equilibrium की situation में होगा. Then we can define it with the help of the table and diagram. इसमें क्योंकि हम इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस है वो मार्केट प्राइस कांस्टेंट के केस में लेते हैं, तो क्वांटिटी यूनिट्स के रूप में शो करते हैं. एमआर इन रुपीस एंड एमसी इट इज आल्सो इन यू शेप, जैसा हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. तो इसमें हम इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू वाले चैप्टर में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि हमारा जो एआर कर्व है प्राइस कांस्टेंट है, तो एमआर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. जैसे सपोज करें 10 है तो सभी के लिए क्या रहेगा, ये 10 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट होता है. और एमसी जो होता है वो हमारा यू शेप्ड होता है. जैसे 10 मान लो 14 है, 10 है, 8 6 8 10 है 16. तो ये हमारी टेबल है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वेयर द प्रोड्यूसर्स गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट. क्योंकि यहाँ पर दो जगह पर एमसी और एमआर दोनों आपस में इक्वल हैं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, सेकेंड यूनिट पर और सिक्स्थ यूनिट पर. तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होगा, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगा, ये इन कंडीशन पर डिपेंड करता है. और दोनों कंडीशन कहाँ पर सेटिस्फाइड होती हैं, सिक्स्थ यूनिट पर सेटिस्फाई होती हैं. क्योंकि सेकेंड यूनिट पर MC is equal to MR, but after this MC starts decreasing. लेकिन condition क्या है, MC is rising. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर MC और MR दोनों बराबर है, और इसके बाद MC क्या होना शुरू हो जाता है, rise होना शुरू हो जाता है. So when the producer produces sixth unit of the commodities, then he gets maximum profit या R in equilibrium. Then it can also be defined with the help of diagram. अब हम इसको डायग्रामेटिकल भी शो कर सकते हैं, चाहो तो एज ए टेबल की हेल्प से कर सकते हो या विदाउट टेबल भी इसको ड्रा कर सकते हैं. यहाँ पर कॉस्ट एंड रिवेन्यू वर्टिकल एक्सिस पर, और यहाँ पर क्वांटिटी शो करें. हमारी जो एमआर लाइन है, दीज आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज ए आर इज इक्वल टू एमआर. और जो हमारा एमसी कर्व है, इट इज इन यू शेप्ड. यानी एक ये पॉइंट है ई पॉइंट और एक ये पॉइंट है. यानी यहां पर टू यूनिट प्रोड्यूस करता है और यहां पर छह यूनिट प्रोड्यूस करता है. तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक सिंपल वे में अब, कि द प्रोड्यूसर्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम ऑन पॉइंट ए बिकॉज एट दिस पॉइंट द बोथ कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई. क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती. ए पॉइंट पर एमसी और एमआर बराबर है, बट इसके बाद एमसी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जबकि हमारे पास कंडीशन है एमसी
राइज होता हुआ होना चाहिए. सो पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द प्रोड्यूसर्स आर इन इक्विलिब्रियम एंड ही प्रोड्यूसेस 6 यूनिट ऑफ द कमोडिटीज एंड गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट. तो इट मीन्स जब वो 6 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो एक प्रोड्यूसर्स एज ए इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा. अब इसमें कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इफ द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस वन मोर यूनिट या वन लेस यूनिट ऑफ द कमोडिटीज. अगर प्रोड्यूसर वस्तु की एक यूनिट कम या ज्यादा प्रोड्यूस करे तो उसके इक्विलिब्रियम पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एंड व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. तो इसमें देखो कि अगर मान लो वो 5 यूनिट प्रोड्यूस करता है या 7 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो उसका रिएक्शन क्या रहेगा. इसको हम डायग्रामेटिकल भी शो कर सकते हैं. जैसे मान लो अगर प्रोड्यूसर इफ द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस वन लेस यूनिट ऑफ द कमोडिटीज. अगर एक यूनिट वो कम प्रोड्यूस करेगा जैसे मान लो सी डी कोई भी पॉइंट दे दो इनको तो क्या होगा. तो यहाँ पर देखो इफ द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस आप ये देखो उसका ग्रोस प्रॉफिट क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट एमसी यहाँ पर टीवीसी से रिलेटेड होता है. जो ग्रोस प्रॉफिट होता है वो किसके इक्विलेंट होता है. इट इज इक्वल टू टी आर माइनस टीवीसी के इक्विलेंट होता है और एमसी टीवीसी से रिलेटेड होता है. तो ध्यान रखना प्रोड्यूसर्स का जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा ई पॉइंट पर है. अगर इधर वन लेस यूनिट या वन मोर यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो दोनों ही केसेस में उसका ग्रोस प्रॉफिट डिक्रीज होगा. तो हम लिख सकते हैं द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस वन लेस यूनिट ऑफ द कमोडिटीज. देन यहां पर क्या है ये देखो एमसी नीचे है और एमआर ऊपर है. तो यहां पर क्या सिचुएशन है एमआर इज ग्रेटर देन एमसी. तो एट दिस पॉइंट एमआर इज ग्रेटर देन एमसी. तो व्हाई द प्रोड्यूसर डज नॉट इंक्रीज देयर प्रोडक्शन. तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वो अपने प्रोडक्शन को क्यों इंक्रीज नहीं करेगा. सो द प्रोड्यूसर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन टिल द पॉइंट वेयर ही रीच ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट. यानी जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना पहुंच जाए तब तक वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता रहेगा. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटीज. अगर वो एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी. जैसे एफ जी कोई भी पॉइंट ले ले इस पोर्शन में यानी एम आर इज लेस देन एम सी. यहाँ पर एम आर इज लेस देन एम सी होगा देन ग्रोस प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड एम आर इज लेस देन एम सी. सो टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट द प्रोड्यूसर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन. यानी जो प्रोड्यूसर है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपने प्रोडक्शन को डिक्रीज करना शुरू कर देगा टिल द पॉइंट वेयर ही रीच ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट. यानी ई पॉइंट पर जब तक वो ना आ जाए तब तक वो अपने प्रोडक्शन को डिक्रीज करता रहेगा. तो कहने का अभिप्राय है कि वन लेस यूनिट या वन मोर यूनिट दोनों ही प्रोड्यूस करता है तो ग्रोस प्रॉफिट दोनों केसेस में कम हो जाएगा. एक में अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना शुरू कर देगा और मोर यूनिट में अपने प्रोडक्शन को डिक्रीज करना शुरू कर देगा. एंड द ग्रोस प्रॉफिट इज मैक्सिमम ऑन पॉइंट ई वेयर एमसी इज इक्वल टू एमआर और एमसी इज राइजिंग. सो द प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या प्रॉफिट. तो इट मीन्स इसके बेस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वेयर द प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट. ये कंडीशन पर डिपेंड करता है. उसके बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ पर प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न. तो इसको आप डायग्रामेटिकल या टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसको हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में भी शो कर सकते हैं. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.